नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के नगर पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर अपने अपने वादे व दावे कर रहे हैं। इस क्रम में जनपद सहारनपुर अंतर्गत रामपुर मनिहारा नगर पंचायत में वरिष्ठ समाज सेवी एवं बसपा नेता रविंद्र चौधरी अध्यक्ष पद पर ताल ठोक रहे हैं। रविंद्र चौधरी कहते हैं कि उनकी राजनीति 30 साल से है। वे सर्व समाज के साथ उनके दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। इस बार रामपुर मनिहारन की जनता उन्हें पूर्ण बहुमत से चुनेगी। जनमत की पुकार के संवाददाता राजेश धीमान ने रविंद्र चौधरी से नगर निकाय चुनाव को लेकर खास बातचीत की है। या फिर उसका एक अलग तरीका मैं अपनाने का प्रयास करूंगा, जो मेरे एजेंडे में है कि जो वहाँ कंप्यूटर लगा करके जो विधवा पेंशन, वृद्धा विकलांग पेंशन वाले या ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना वाला अन्य कोई भी ऐसा जिसको फॉर्म को फिल करने के लिए गरीब आदमी को उसका रास्ता मालूम नहीं है, वो मैं वहाँ काउंटर लगवा करके 2 कर्मचारियों की ड्यूटी स्पेशल इसी काम पे रखूंगा कि जो गरीब आदमियों को जो मिलने वाली जो उनकी पात्रता के आधार पर उनको जो मिलना चाहिए वो ईमानदारी से उन्हें मिले और कोई दलाल उनके बीच में ना आ पाए। केवल और केवल ईमानदारी के आधार पर उनको उनका हक मिलने का काम हो, ये प्रयास मेरा रहेगा। रविंद्र चौधरी जी, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बनी हुई है आज देश के अंदर, और रामपुर मनियारन क्षेत्र की अगर बात करें, अभी तक ऐसा फील्ड नहीं तैयार हो पाया है। जो हमने देखा, जो सर्वे किया है हम लोगों ने, अभी तक ऐसा फील्ड नहीं, जहां पे हमारे युवा, हमारी लड़कियां वहां पर प्रैक्टिस करें और यहां से बाहर निकले, इसमें क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि उसके लिए मैं समझता हूं कि नगर पंचायत के पास बहुत सारा मतदाता है। मेरी प्राथमिकता में ये रहेगा कि मैं रामपुर में एक ऐसा, अगर आप बात कर रहे हैं स्पोर्ट की, मैं समझ रहा हूं जहां तक आपका सवाल है वो रिलेटेड है स्पोर्ट्स से, कि जिससे बच्चे कामयाब होकर के, वास्तव में ये एक विडंबना की बात है कि हम रामपुर मनियारान जिसमें बहुत बड़ी संस्था जिसका नाम सारी दुनिया में प्रख्यात है, हम उस रामपुर मनियारान के निवासी हैं। ये हमारा सौभाग्य है। चौधरी मुल्तान सिंह वर्मा जी जिन्होंने इस क्षेत्र को एक इतनी बड़ी संस्था देने का काम किया, जिनका नाम लेकर के हम हमेशा गर्व महसूस करते हैं, उनके इस रामपुर मनियारान में बच्चों के लिए एक अच्छा स्टेडियम नहीं है, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। जो पहले रहे लोग हैं उन्होंने इस पर विचार नहीं किया, जाने क्या कारण रहा होगा मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। यदि मुझे ईश्वर ने मौका दिया, मुझे देवतुल्य इस कस्बे की जनता ने यदि मौका दिया, तो मैं प्रयास करूंगा, चाहे हमें कितना ही प्रयास दिल्ली लखनऊ तक दौड़ करके क्यों ना करना पड़े, चाहे किसी भी मंत्री और किसी भी मुख्यमंत्री या सचिवालय में जाकर हमें किसी प्रकार का भी प्रयास क्यों ना करना पड़े, कितने भी राउंड क्यों ना लगाने पड़े, मैं प्रयास करूंगा कि रामपुर में एक ऐसा इंडोर और आउटडोर स्टेडियम हो, आउटडोर तो यहाँ फील्ड है लेकिन इंडोर स्टेडियम ऐसा हो जिसमें हमारे परिवार की बहन बेटियां भी हमारी जाकर के वहां प्रैक्टिस कर सकें और एक ऐसा वातावरण मिल पाए कि जिसमें उनको लेकर के चलेंगे तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। रविंदर जी, चुनाव आते हैं, प्रत्याशी अपने कहीं ना कहीं अपनी बातें रखते हैं और वादे किए जाते हैं, जनता उन वादों पर वोट देती है, और जब वोट देती है तो वो एक विश्वास रखती है कि जिसको हम चुनेंगे वो हमारे सभी काम पूर्ण करेगा। लेकिन हमने खुद सर्वे किया है, खुद देखा है, यहाँ पे कुछ गरीब पात्र ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है, किन्हीं को किसी को मकान नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है, उनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे हैं। तो अगर आप जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेंगी, और कहीं ना कहीं जनता भी कहीं ना कहीं चाहती है, वो भी देखना चाहती है कि जो प्रत्याशी आ रहा है हमारे सामने वो कितना मजबूत है, कितना आगे काम करेगा और किस तरह करेगा। देखिए, जहां तक आपने अभी बात की आयुष्मान कार्ड की या अन्य जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी लाभ की योजनाएं हैं गरीब आदमी के लिए, वो तभी धरातल पर उतर सकती हैं जब उन चीजों को फॉलोअप कराने वाला व्यक्ति, उन चीजों को लागू कराने वाला व्यक्ति स्वयं में ईमानदार हो। मुझे फक्र है, मुझे 32 साल
इस फील्ड में हो गए, मुझे राजनीति करते 32 साल हो गए, छोटी मोटी जैसी भी मैं कर रहा हूं, मैं खुद को बहुत बड़ा राजनेता नहीं मानता, लेकिन जैसी भी मैं छोटी मोटी राजनीति कर रहा हूं, मैं पूर्व में नगर पंचायत रामपुर में सभासद भी रहा हूं। 5 साल में आप जाकर के मेरा जो वार्ड है उसमें पता कर सकते हैं, कोई व्यक्ति, चाहे किसी का राशन कार्ड बनवाया गया हो, चाहे किसी की विधवा पेंशन बनवाई गई हो, चाहे किसी की विकलांग पेंशन बनवाई गई हो, या अन्य कोई सरकारी योजना आई हो जिसको हमें इम्प्लीमेंट कराना था नगर पंचायत में सभासद के तौर पर, मैंने उसको कराया है। अगर एक व्यक्ति आपको उस वार्ड में ये मिल जाए जो ये कह दे कि मैंने अगर किसी का राशन कार्ड बनवाया और उसमें 1 रुपया फार्म का भी मैंने उनसे लिया, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और जब इस कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति उस चेयर पर बैठेगा तो मैं नहीं मानता कि किस कोई भी ऐसी चीज, ऐसी योजना जिसका वास्तव में गरीब पात्र है और उस पात्र को वो न मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो कार्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती हैं, उन सारी योजनाओं को ईमानदारी के साथ उन लोगों को जो पात्र हैं उनको दिलाने का पूर्ण प्रयास ही नहीं, संकल्पित होकर के प्रयास करूंगा कि उनको मिले। तो मैं प्रयास करूंगा, चाहे हमें कितना ही प्रयास दिल्ली लखनऊ तक दौड़ करके क्यों ना करना पड़े, चाहे किसी भी मंत्री और किसी भी मुख्यमंत्री या सचिवालय में जाकर हमें किसी प्रकार का भी प्रयास क्यों ना करना पड़े, कितने भी राउंड क्यों ना लगाने पड़े, मैं प्रयास करूंगा कि रामपुर में एक ऐसा इंडोर और आउटडोर स्टेडियम हो, आउटडोर तो यहाँ फील्ड है लेकिन इंडोर स्टेडियम ऐसा हो जिसमें हमारे परिवार की बहन बेटियां भी हमारी जाकर के वहां प्रैक्टिस कर सकें, और एक ऐसा वातावरण मिल पाए कि जिसमें हमारे यहाँ से ऐसे इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर पैदा हो सके कि हम उनके किए कार्यों पर गौरवान्वित खुद को महसूस कर सकें, ऐसा एनवायरमेंट देने का मैं प्रयास करूंगा। ऐसा एक स्टेडियम मैं रामपुर में जरूर निर्मित कराने का प्रयास करूंगा। उसके साथ साथ मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहता हूं कि रामपुर में कोई भी आप कहीं की भी बात करें, आज पॉपुलेशन बहुत है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे गरीब है अमीर है, उसके पास अपने बेटी की शादी के लिए, अपने परिवार में होने वाले किसी फंक्शन के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। हर व्यक्ति दौड़ता है बैंक्वेट हॉल की तरफ, और बैंक्वेट हॉल में बहुत सारा मोटा पैसा पे करना पड़ता है। तो मैं प्रयास ये करूंगा कि रामपुर में कम से कम 3 सिरों पर, रामपुर के 3 कोनों पर, 3 साइड में ऐसे बड़े बैंक्वेट हॉल जिनकी वास्तव में जरूरत है, चाहे उसके लिए नगर पंचायत से परमिशन सरकार से करा के जमीन खरीदनी क्यों ना पड़े, ऐसे बैंक्वेट हॉल जिनमें गरीब आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शादी की व्यवस्था हो, वो अपनी शादी हो, जन्मदिन, जसुठन या अन्य कोई शोक सभा या कोई भी जो भी फंक्शन हो, गरीब आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें कर सके, और जो संपन्न व्यक्ति है उसके लिए थोड़ा सा चार्ज रख दें, और गरीब आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो उपलब्ध बैंक्वेट हॉल हो, और उसमें 5,000 लीटर का एक टैंकर अलग से इस काम का बनाया जाए कि जो पानी का भर के वहां खड़ा कर दिया जाए, पानी की व्यवस्था के लिए भी उसे कैंपर वाले को पैसे खर्च ना करने पड़े, वो भी व्यवस्था नगर पंचायत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब आदमी को उपलब्ध हो, और ये मेरा प्रयास रहेगा। रविंद्र चौधरी जी, आप अपनी सीधी टक्कर किससे देख रहे हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी का एक वफादार वर्कर के तौर पर पिछले बहुत लंबे समय से हूँ, और मैंने बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष से लेकर जिला सचिव, जिला कोषाध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर के पद पर रह करके ईमानदारी से पार्टी की सेवा की है, और या कोई भी जो भी फंक्शन हो गरीब आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें कर सके, और जो संपन्न व्यक्ति है उसके लिए थोड़ा सा चार्ज रख दें, और गरीब आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो उपलब्ध बैंक्वेट हॉल हो, और उसमें 5,000 लीटर का एक टैंकर अलग से इस काम का बनाया जाए कि जो पानी का भर के वहां खड़ा कर दिया जाए, पानी की व्यवस्था के लिए भी उसे कैंपर वाले को पैसे खर्च ना करने पड़े, वो भी व्यवस्था नगर पंचायत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब आदमी को उपलब्ध हो, और ये मेरा प्रयास रहेगा। रविंद्र चौधरी जी, आप अपनी सीधी टक्कर किससे देख रहे हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी का एक वफादार वर्कर के तौर पर पिछले बहुत लंबे समय से हूँ,
और मैंने बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष से लेकर जिला सचिव, जिला कोषाध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर के पद पर रह करके ईमानदारी से पार्टी की सेवा की है। और उसके अलावा मैं 2012 में 2012 के विधानसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का रामपुर विधानसभा का चुनाव प्रभारी रहा हूँ। वाराणसी के कुंडरा विधानसभा है उसका मैं 2017 के जब सेकंड राउंड में, आपके सीधे टक्कर किससे? बहुजन समाज पार्टी का टिकट यदि मुझे होता है तो मैं ये मान के चलता हूँ, जिस तरह का मेरा समाज के प्रति समर्पण का भाव है, जिस तरह से समाज का मेरे साथ लगाव जुड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी के साथ टक्कर है। चुनाव एक तरफा होने वाला है और ईश्वर से डर के ये बात कहता हूं कि शायद कुछ लोगों को जमानत बचाने में दिक्कत आएगी। एक तरफा चुनाव है, किसी से कोई टक्कर वाली बात मुझे नजर नहीं आती। मेरी पार्टी का जब आशीर्वाद, बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ूंगा तो एक तरफा चुनाव है, किसी से कोई मुकाबले वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव में जीत का अंतर भी 4-5 हजार का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे रविंदर चौधरी जी, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं और सभी के सुख दुख में खड़े होने वाले व्यक्ति हैं और सभी को साथ लेके चलने का वादा भी कर रहे हैं। कैमरामैन सहयोग के साथ मैं राजेश धीमान, दैनिक जनमत की पुकार, रामपुर मलियारा से। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।